नमस्कार, मैं हूं मैत्रेयी और स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहार तक पे। भारतीय सेना ने एडवोकेट जनरल के लिए अधिसूचना जारी की है। आपको बता दें कि सेना में ये जो शॉर्ट सर्विस के लिए जो जैक प्रवेश परीक्षा होगी उसमें लॉ के ग्रेजुएट ही आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि ये टेक्निकल और नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट दोनों के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं और आधिकारिक सूचना के अनुसार इसमें ऑनलाइन आवेदन होगा जिसमें महिलाएं और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं। क्या है पूरी खबर आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कुल पदों की संख्या कितनी है। तो अगर हम कुल पदों की संख्या की बात करें तो वैकेंसी 8 पद की निकली है। चलिए अब बताते हैं कि ऑनलाइन प्रक्रिया जो है उसकी शुरुआत कब से होगी। तो ये 29 सितंबर 2021 से आवेदन शुरू होगा। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है वो है 28 अक्टूबर 2021। अगर हम आयु सीमा की बात करेंगे तो उम्मीदवारों की आयु 21 से 27 साल की होनी चाहिए। आयु में छूट आप प्रकाशित नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। उम्मीदवार के पास LLB की डिग्री होनी चाहिए जिसमें न्यूनतम 55 अंक होने चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं कि सिलेक्शन की प्रक्रिया क्या है। तो उम्मीदवारों का चयन जो है वो शॉर्ट लिस्टिंग, उसके बाद SSB इंटरव्यू, उसके बाद मेडिकल परीक्षा पर आधारित होगा। अब बात आती है कि आवेदन कैसे करें। तो आवेदन करने के लिए आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट पे जाना होगा जो कि है joinindianarmy.nic.in। इससे संबंधित अधिक जानकारी आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। तो बिना अंतिम तारीख के इंतज़ार किए आप इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करें और उन लोगों के साथ साझा करें जो इसके लिए एलिजिबल हैं, जो लॉ ग्रेजुएट हैं। हम रोज़ सुबह 8 बजे लाते हैं रोजगार से संबंधित जानकारी, नौकरी से संबंधित खबरों के लिए और बिहार से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहें बिहार तक। धन्यवाद।